जय श्री कृष्णा, जय महेश। मैं आरती जाजू आज यह प्यारी सी छोटी सी ऋषिका लखोटिया का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ हमारे इस कुकिंग सेशन में। ऋषिका आज हमें सिखाने वाली है ओट्स के दही बड़े, वेज मोमोज और वेज सीख कबाब। मूर्ति लहान पण कीर्ति महान, ये मराठी कहावत ऋषिका के लिए एकदम फिट बैठती है। 13 साल की ऋषिका का पैशन है कुकिंग। 6 वर्ष की उम्र से यह कुकिंग करती आई है। आज 13 इयर्स की उम्र में तो वो एक यंग एंटरप्रेनर है। फ्यूजन ट्रीट के नाम से इसका बिजनेस सेटअप है। केक्स, होममेड आइसक्रीम्स के ऑर्डर सर्व करके बहुत सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया है। 350 से भी अधिक तरह की केक्स बना चुकी है ऋषिका। ऋषिका का अपना यूट्यूब चैनल है ऋषिका लखोटिया के नाम से। ऋषिका की प्रेरणा स्त्रोत्र, उसकी गाइड एंड मेंटर उसकी मदर माधुरी लखोटिया है। माधुरी ने ऋषिका को इस लेवल तक लाने के लिए अथक परिश्रम किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कुकिंग सेशन ऋषिका के साथ। तो आई रिपीट वंस अगेन, मैंने इसमें क्या क्या डाला है। 1 कप ओट्स का आटा, नॉर्मल जो ओट्स मिलते हैं उसको रोस्ट कर लिया है और ग्राइंड कर लिया है। 1/2 कप ब्रेड क्रम्स, 1/2 टीस्पून क्रश्ड जिंजर चिली, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड वाटर टू मेक अ बैटर। आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी, ज्यादा थिक भी नहीं और ज्यादा थिन भी नहीं। मैंने ऑयल गरम कर लिया है। वॉइस क्लियर है ना? हेलो, क्लियर है, क्लियर है। यस, मैं अभी मेरे को भी म्यूट कर रही हूँ, सो दैट मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा तुमको रिप्लाई करने को। ओके ओके, हाँ, या गो अहेड। ऑयल अभी गरम हो गया है, अब हम वड़े फ्राई करेंगे। यूजुअली दही वड़े उड़द की दाल से बनते हैं, बट ये हेल्दी दही वड़े हैं, ग्लूटेन फ्री दही वड़े हैं ये। Yes, this is giving you a better view. हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि बाहर से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए और अंदर से भी कुक हो जाए। आप और भी इंटरेस्टिंग एंड यमी रेसिपीज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इन द नेम ऑफ ऋषिका लखोटिया। डेफिनेटली डियर, आप देख सकते हो बड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारे आप देख सकते हो, हम इसकी प्लेटिंग बाद में करेंगे जब बड़े ठंडे हो जाएंगे। तब तक मैं आपको मोमो की रेसिपी बता। इसको हम दही में सोक करने के लिए डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए।
जब तक हमारे वड़े सोख हो रहे हैं मैं आपको मोमोज की रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले हम मोमोज की फिलिंग बना लेंगे। के लिए पैन में पहले 2 स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 teaspoon चॉप्ड गार्लिक, 1/2 teaspoon चॉप्ड ग्रीन। ऋषिका बीच बीच में आवाज गायब हो रही है तुम्हारी। गार्लिक के बाद में शायद जिंजर बोला है बट वो जिंजर सुनाई नहीं दिया। ओके आई रिपीट, मैंने इसमें डाला है 1/2 teaspoon चॉप्ड गार्लिक, 1/2 teaspoon चॉप्ड जिंजर एंड 1/2 teaspoon चॉप्ड ग्रीन चिली। इसमें अब हम हमारी वेजिटेबल्स डालेंगे। 1/2 cup चॉप्ड कैरेट, 1/2 cup चॉप्ड बीन्स, 1 cup कैबेज, 1 onion चॉप्ड एंड 1/4 cup स्प्रिंग अनियन ग्रीन। इन सबको हल्का टॉस कर लेंगे। Now we will add 1/2 teaspoon crushed pepper and 1 teaspoon soya sauce. Mix कर लेंगे। हमें सॉल्ट अभी नहीं ऐड करना है वरना वेजिटेबल्स पानी छोड़ देगी। हमारी वेजिटेबल्स टॉस हो गई है। अब हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे फिर इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तब तक मैं आपको मोमो के डो का रेसिपी बता देती हूँ। मोमो के डो के लिए 1 cup मैदा, 2 spoon ऑयल, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड वाटर डाल के डो नीड कर लिया है। फिर हम रोटी के लिए डो लगाते हैं वैसा ही लगाना है, टाइट डो, ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, 1 cup मैदा, 2 spoon ऑयल, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड वाटर। डो को एक बार नीड कर लेंगे। Thank you.
हल्का ठंडा होने के बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम मोमो की शीट तैयार कर लेंगे। उसके लिए हल्का डो लेंगे जो प्रिपेयर किया था। हल्का ड्राई मैदा में कोट कर लेंगे इसको और इसे बेल लेंगे। मेक श्योर आप बीच बीच में मैदा लगाते रहे वरना ये चिपक जाएगा डो। हमें इसे हल्का पतला बेलना है। अब एक कटोरी के मदद से इसको कट कर लेंगे। आप कुकी कटर भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो इसका थिकनेस। मैंने ऑलरेडी 3 शीट प्रिपेयर करके रखी है। अब हम इसमें हमारी मोमोज की स्टफिंग फिल करेंगे। 1 स्पून और इसके प्लीट्स फॉर्म कर लेंगे। और ट्विस्ट करके 10 सिक्योर कर देंगे इसको। आप देख सकते हो मैं आपको 2 शेप्स सिखाऊंगी मोमोज के लिए। तो अब ये एनवेलप शेप मैं बताने वाली हूँ। उसके लिए पहले हाफ फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हो हाफ फोल्ड कर लिया है और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे इसकी साइड। एंड अगेन हाफ में फोल्ड कर लेंगे। एज यू कैन सी इसे एनवेलप शेप बोलते हैं। सेम स्टेप रिपीट करेंगे।
मेक श्योर आप इसके एजेस को अच्छे से सील करें. अब हम मोमोज को स्टीम करने के लिए रख देंगे. एक वेसल में मैंने वाटर ऐड कर ली, स्टैंड प्लेस कर दिया है और नॉर्मल जो इडली का मोल्ड रहता है वो रख देंगे. इडली के मोल्ड को हमें ऑयल से ग्रीस करना है ताकि मोमोज अच्छे से निकल जाए. हम मोमोज प्लेस कर देंगे. और इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए स्टीम होने देंगे. जब तक हमारे मोमोज स्टीम हो रहे हैं मैं दही वड़ा की प्लेटिंग बता देती हूँ. हमारे वड़े अच्छे से सोख हो गए हैं दही में, सॉफ्ट हो गए हैं एकदम. इस पे हम डालेंगे नॉर्मल ग्रीन चटनी. मीठी चटनी इसके लिए एक ड्राई मसाला प्रिपेयर कर लेंगे. एक बाउल में डालेंगे 1/2 teaspoon ब्लैक सॉल्ट, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर से मिक्स कर लेंगे. ऋषि का थर्ड इंग्रेडिएंट क्या बताया, उसकी आवाज नहीं आई. I repeat, 1/2 teaspoon black salt, 1/2 teaspoon red chili powder, 1/2 teaspoon chaat masala and 1/2 teaspoon jeera powder. ये मसाला prepare हो गया है. अब हम इसे हमारे दही वड़ा पे डाल देंगे. इस पे हम डालेंगे सेव. और धनिया से गार्निश कर देंगे. हमारा दही वड़ा आप देख सकते हो. अब हम प्रिपेयर करेंगे सीख कबाब. उसके लिए एक बाउल ले लेंगे. इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोस. मैंने 2 बॉइल्ड पोटैटोस लिए हैं. हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर,
हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, वन फोर टी स्पून टर्मरिक विच इज हल्दी पाउडर लेंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एक बार मोमोज चेक कर लेंगे। ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं, इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। हम अब हमारी सीख कबाब की वेजिटेबल सौते कर लेंगे। उसके लिए पैन में डालेंगे 2 स्पून घी, 2 स्पून घी को हल्का गरम होने देंगे। Now we will add 2 spoons jeera, 1/2 teaspoon ginger finely chopped, 1/2 teaspoon green chili, इन सब को मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारी वेजिटेबल्स, 1/2 cup chopped carrot, 1/2 cup finely chopped beans, and 1 cup finely chopped cabbage. इन सबको टॉस कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट,
according to taste. मिक्स कर लेंगे. इसमें हमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स नहीं यूज करनी है. हमें इसे 2 to 3 minutes के लिए सौते करना है. अब हमारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे जिसमें हमने बॉइल्ड पोटैटोस डाले थे. वन फोर टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे एंड हाफ कप ब्रेड क्रम्स. इसमें हमें बेसन ऐड करना है, रोस्टेड बेसन अराउंड हाफ कप. एक बार इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. हमें इसका एक डो फॉर्म करना है. अगर आपको लग रहा है कि आपका डो फॉर्म नहीं हो रहा है तो आप इसमें हल्का बेसन और ऐड कर सकते हो. आप देख सकते हो डो फॉर्म हो गया है. अब हमें इसे स्कीवर्स पे लगाना है. इसे इस तरीके से लगाना है लॉग शेप में. देख सकते हो इसे एक प्लेट पर रख देंगे. दूसरा स्कीवर भी रेडी कर लेंगे. एक स्कीवर के लिए इतना डो, दो को स्कीवर पे स्टिक करके हमें ऐसे प्रेस करके का शेप फॉर्म करना है. हमारे दोनों स्कीवर रेडी हो गए हैं.
अब एक तवा ले लेंगे, इसमें हल्का घी डालेंगे, हम सीख कब आपको इस पे सेकेंगे। तवा गरम हो रहा है तब तक तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दे प्लीज। इसमें मैंने ऐड किया है 2 बॉइल्ड पोटैटोस, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हम इसको रख देंगे, घी इसके लिए यूज कर रहे हैं बिकॉज इससे ऋषि का आवाज कट हो गई। घी क्यों यूज करते हैं? घी हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज घी से क्रिस्पी ज्यादा है। तो बटर यूज कर सकते हैं उसकी जगह? हाँ, आप बटर भी यूज कर सकते हो। इसे हम फ्लिप कर लेंगे, जब तक हमारे सीख कबाब सिक रहे हैं हम मोमोज की प्लेटिंग कर देंगे। अब हम मोमोज की प्लेटिंग कर लेंगे। मैं इसे शेजवान चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। मैंने 3 सीख कबाब ऑलरेडी सेक के रखे हैं। आप सीख कबाब को माइक्रोवेव में भी सेक सकते हो एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। आप देख सकते हो हमारे मोमोज रेडी हो गए हैं। माइक्रोवेव का रिपीट करना प्लीज। आप सीख कबाब को माइक्रोवेव में भी सेक सकते हो
एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, मतलब कन्वेक्शन में. हाँ 180 डिग्रीज फॉर 30 मिनट्स. हाँ और बीच बीच में फ्लिप करते रहे. ओके कब आपके इंग्रेडिएंट्स वापस चाहिए थे? टू बॉइल्ड पोटैटोस, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, क्यूमिन पाउडर, चाट मसाला, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, उन सबको मिक्स कर लिया है, एंड गरम मसाला हाफ टी स्पून, एक पैन में हाफ कप कैरेट, हाफ कप बीन एंड वन कप कैबेज को टॉस कर लिया है विथ 1 टी स्पून जिंजर, 1 टी स्पून चिली एंड 1 टी स्पून गार्लिक. फिर हमने वो मसाला को बॉइल्ड पोटैटोज के मिक्सचर में डाल के मिक्स कर लिया था एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट. और बेसन कितना था उसमें? बेसन अराउंड हाफ कप. ओके वो भी रोस्टेड? हाँ रोस्टेड बेसन. ओके ये सेकने को कितना टाइम लगता है? ये सेकने को अराउंड 5 मिनट्स लगता है. ओके एंड अभी तुम तो इंडक्शन कुकर यूज कर रही हो, लेकिन गैस पे अगर कर रहे तो स्लो गैस पे? हाँ स्लो गैस पे. या मीडियम? स्लो. ओके अगर माइक्रोवेव में रखेंगे, कन्वेक्शन में रखेंगे, तो क्या उसको घी लगा के रखना है, ऊपर से कोट करना है? बटर ब्रश करके उसको रखना है. ओके हमारे सीख कबाब सिक गए हैं, उसको निकाल लेंगे. किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो चैट पे डालिए प्लीज. अब हम सीख कबाब की प्लेटिंग करेंगे. मैंने कटोरी में ग्रीन चटनी रख दी है. आप देख सकते हो सुपर्ब अमेजिंग. थैंक यू. हमारी तीनों डिश रेडी हो गई है, ओट्स दही वड़ा, मोमोज एंड सीख कबाब. आप मेरे YouTube चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग एंड यमी रेसिपीज के लिए ऋषिका लखोटिया के नाम से सब्सक्राइब कर सकते हो. और आपको अगर आज के डिश तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो. यस डेफिनेटली कमेंट्स तो काफी आ रहे हैं. किसी ने पूछा है कैन यू रिपीट द वड़ा इंग्रेडिएंट्स. आपने ग्लूटेन फ्री बताया था ना उसको?
लेकिन शायद ब्रेड डाला है। हाँ तो ब्रेड है तो ब्रेड यूज किया है, ब्राउन ब्रेड यूज किया है उसके okay. लिए ओट्स के दही वड़ा के लिए 1/2 cup ब्रेड क्रम्स, 1/2 teaspoon क्रश्ड जिंजर एंड चिली, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड वाटर टू मेक अ बैटर। आप अगर ब्रेड क्रम्स नहीं डालना चाहते हो पोहा को सोक करके ग्राइंड करके यूज कर सकते हो। हाँ पोहा को यूज कर सकते हैं क्या उसमें? हाँ 1/4 cup पोहा को सोक करके ग्राइंड कर सकते हो आप। ओके नमस्ते भाभी। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोगों को ये सब डिशेस अच्छी लगी होगी, पसंद आई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस पसंद आया हमको। बहुत ही बढ़िया। ओके कैन वी यू आल्सो यूज फ्रायर फॉर सीख कबाब्स पूछा है। फ्रायर बट वो ज्यादा ऑयल कंज्यूम करेगा। फ्रायर ज्यादा करेगा? ओके हाँ वो ज्यादा ऑयल सोक करेगा। ओके तो द बेस्ट वे इज तवे पर ही सेको। हाँ ठीक है। हेलो जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। अभी आ रहे हैं ना धनश्री अब? हाँ 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 आ रहे। इतनी छोटी सी ऋषिका ने हमें इतना सुंदर बताया, हमें तो बहुत गर्व है ये बच्ची पर कि जिसने इतनी छोटी उम्र में इतनी महान शेफ बन गई हो। और माधुरी को भी मैं बोलती हूँ कि सच्ची में बहुत मेहनत ली अपने इस बेटे के पीछे। हमें बहुत गर्व है हमारी समाज की एक लड़की इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी शेफ बनी और उसने इतने सुंदर तरीके से हमको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। हमें भी इस प्लेटफॉर्म पे आके करने में बहुत अच्छा लगा, अच्छा चांस दिया आप लोगों ने, इसको मौका दिया एक आने का। थैंक यू थैंक यू।